रविवार की दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी के पास स्थित कोसी नदी में नहाने गया एक युवक पानी के गहरे कुंड में डूब गया, जिसके बाद साथ में मौजूद दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस द्वारा मौके पर दमकल विभाग और SDRF की टीम द्वारा नदी में डूबे युवक को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के चलते शव बरामद नहीं हुआ और टीम ने अपना सर्च अभियान रोक दिया। इस दौरान घटना के बारे में रामनगर कोतवाली के SSI अनीश अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की सुबह कोसी बैराज क्षेत्र में एक शव तैरता हुआ होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने कोसी बैराज में तैर रहे शव को बाहर निकाला तो मृतक की शिनाख्त निहाल कुमार उम्र 24 साल निवासी ग्राम चोरपानी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक वही युवक था जो रविवार को नहाने के दौरान नदी में डूबा था। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, SDRF की मदद से कल भी इसका रेस्क्यू को चलाया गया था, लेकिन कल रात्रि हो जाने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया था। आज प्रातः खबर मिली कि कोसी बैराज में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया है, जिस पर पुलिस और SDRF की टीम ने सबको निकाला है। तो इसकी शिनाख्त निहाल कुमार पुत्र हरीशचंद निवासी चोरपानी के रूप में हुई है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन सबको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जा तो आ गया हो ना, तो इसे रहने दो।